तमाम विरोध और प्रदर्शनों के बीच आखिरकार नागरिकता संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इसके बाद नागरिकता कानून 1955 में संबंधित संशोधन हो गया है। इससे तीन पड़ोसी इस्लामिक देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हुए लोगों को आसानी से भारत की नागरिकता मिल सकेगी। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि बिल को लेकर बने नए कानून में क्या बदलाव आने वाला है और ये कानून कहाँ लागू होंगे और कहाँ नहीं, और इससे किसे फायदा होगा और किसे क्या नुकसान होगा। आइए जानते हैं इस बिल को लेकर सब कुछ। सबसे पहले आपको बताते हैं बिल में हुए बदलाव को। नागरिकता संशोधन बिल के तहत पहले अप्रवासियों को भारत की नागरिकता लेने पर 11 साल भारत में रहना अनिवार्य होता था, लेकिन अब ये समय घटाकर 6 साल कर दिया गया है। यानी पड़ोसी देश से आए लोग अब 6 साल के भीतर ही भारत की नागरिकता ले सकेंगे। अब आइए जानते हैं किन किन शरणार्थियों को इस बिल से फायदा मिलेगा। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बिल को लेकर संसद में दावा किया था कि ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्हें इस कानून से फायदा मिलेगा। नए कानून सभी अप्रवासियों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी तारीख से भारत आए हों। यानी इन तीन देशों के लोग जिस तारीख से भारत में आए हैं तभी से उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिलहाल सरकार की ओर से एक कट ऑफ तारीख जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 31 दिसंबर साल 2014 से पहले आए सभी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब आइए जानते हैं यह कानून कहां पर लागू नहीं होगा। मोदी सरकार ने इस कानून को पूर्वोत्तर के कई राज्यों जैसे मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर में लागू नहीं होने की बात कही है, क्योंकि इस कानून का पूर्वोत्तर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। असम, मेघालय समेत कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मांग के कारण ही केंद्र सरकार यहां इनर लाइन परमिट जारी किया है। आपको बता दें कि इनर लाइन परमिट एक तरह का ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों को देश के एक बड़े हिस्से में प्रवेश करने के लिए चाहिए होता है। कानूनी नजरिए से देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि पड़ोसी देशों से आए लोग अगर इन राज्यों में बसेंगे तो उनकी भाषा, अस्मिता, संस्कृति पर असर पड़ेगा और ये बड़ा नुकसान होगा। बहरहाल नागरिकता संशोधन बिल अब पूरे देश में लागू हो गया है, लेकिन इसके खिलाफ जारी विरोध अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। देखते हैं कि आगे क्या होता है। टीम खबर अपडेट।